अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया गया मानव अधिकार दिवस कल शनिवार को विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर धार जिले के औद्योगिक नगरी पीतमपुर में मनाया गया। इस बैठक में सभी नवयुक्त पदाधिकारियों का परिचय एवं माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। बैठक में शासन द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को सभी को लाभ दिलाए जाने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने एवं पीतमपुर नगर पालिका के अंतर्गत कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को संगठन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप कुमार मिश्रा, संभाग अध्यक्ष इंदौर, विशिष्ट अतिथि रामावतार यादव जी, महामंत्री इंदौर संभाग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धार जिले अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी कर रहे थे। हमारे संगठन के नवयुक्त पदाधिकारी शासकीय कन्याशाला के शिक्षक लोकेश जी एवं शुभम जैन का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत से किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा संगठन के मूल उद्देश्यों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर जिला अध्यक्ष लाल सिंह निनामा, इंदौर जिला उपाध्यक्ष रविराज सिंह जी, धार जिले के मीडिया प्रभारी विजय गिरवाल और रतनलाल आर जी, कयूम खान जी, लीलाधर बाविशकर, राजूराम सिन्हा, विजय बसाने, सत्य सिंह राजपूत जी, राणा प्रताप यादव जी, सुनील चौहान जी, जितेंद्र वामन, अशोक तिवारी, मिथुन बारोट जी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सभी पदाधिकारियों को स्वल्पाहार कर कार्यक्रम का समापन किया गया। जैसे कि आज 10 सितंबर के उपलक्ष्य में मानव अधिकार दिवस मनाया गया, पीतमपुर की पूरी टीम ने भी मनाया, उसके उपलक्ष्य में हम पीतमपुर के वरिष्ठ जन और पदाधिकारियों से कुछ बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कार्यक्रम किया और किस तरीके से उन्होंने अपना विश्व मानव अधिकार मनाया। आपका नाम बताइए। संदीप कुमार मिश्रा, संभाग अध्यक्ष इंदौर। जैसा कि आज पूरे विश्व भर में 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज हमने अपने पीतमपुर और इंदौर की पूरी टीम के साथ यहाँ पे संयुक्त मीटिंग का आयोजन रखा गया है। इस मीटिंग में सभी जो नव नियुक्त पदाधिकारी थे उनका स्वागत किया गया, उनको संगठन के बारे में बताया गया और आज हमारे बीच में बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में पीतमपुर गवर्नमेंट स्कूल के दो शिक्षक जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, ये बहुत बड़े गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगा। और सभी जितने भी मतलब आज यहाँ पे उपस्थित थे उनको संगठन के मूल उद्देश्य जो संगठन का काम है उस संगठन के बारे में सबको परिचित किया गया। ठीक है, और आपने मतलब क्या मेन मुद्दों पे बात की, जो मेन जागरूकता और अपने यहाँ के क्या क्या अभियान हम चलाएंगे आने वाले समय में, किस तरीके से रूपरेखा रहेगी, वो भी थोड़ा बताइए। मेन जो उद्देश्य यहाँ पे तो भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण जो आज की डेट में सबसे ज्यादा गांवों में देखने को मिलता है, फर्जी FIR और रिश्वतखोरी, ये मेन मुद्दे हैं जिसपे हमको आगे चल के काम करना है।